तो गाइस देख सकते हैं आप भीड़, इस कदर भीड़ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वक्त मैं एक मेले से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैम्पोलिन और झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो आज है चट्टी जत्रा। तो इस वक्त मैं चट्टी जत्रा में हूँ। दशहरा के दो दिन बाद यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पर खचाखच भीड़ होने वाला है। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, आपको मैं दिखाता हूँ चट्टी जत्रा। और इधर बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन में। चलो पलट जाओ। ये बच्चों खेलने के लिए ये झूला लगा हुआ है, जादूगर भी लगाया हुआ है इधर। ये सब बच्चों खेलने के लिए है। कुछ इस प्रकार मेला सज रहा है। अभी मिठाई की दुकानें लग रही है। तो गाइस अभी मेला भरा नहीं है, जब मेला भरेगा तब का सीन मैं आपको दिखलाऊंगा, देखने लायक होगा। काफ़ी भीड़ होता है इस मेला में, तो आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक। तो देख सकते हैं फजाखच मेला भर चुका है, लोगों का तांता लगातार जारी है आने जाने का। ये मेरा बैग का सीन है। ट्रेडिशनल सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिखाते हैं, जत्रा का मेन आकर्षण का केंद्र। आइए चलते हैं। ये है ट्रेडिशनल यहाँ का सांस्कृतिक खोड़ा नाच। जत्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र, इसी की वजह से जत्रा लगाया जाता है। तो एक बार मैं भीड़ दिखाता हूँ, देखिए भीड़। Thank you.
स्टेज प्रोग्राम, यहाँ पर डांसर बुलाया गया है छठी जत्रा समारोह। उधर कुछ नहीं है, उधर कोई भीड़ नहीं है, यहाँ इधर जादूगर आया है लेकिन जादूगर कोई नहीं देख रहा है। और ये कुछ इस प्रकार मेला है। पांच मिनट के अंदर में खेल चालू हो जाएगा, जल्दी कीजिएगा, खेल चालू होने जा रहा है। देखिए 2 मिनट का। तो कुछ इस प्रकार है छठी यात्रा, और भी आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहने तक, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। तो कुछ इस प्रकार है भीड़ मेला का, लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं मेला में। यहाँ पर कितना ज़्यादा रौंदाएगा मेला, ज़्यादा ठीक चीज़ नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं आप भीड़, इस कदर भीड़ है, जन सैलाब। देखिए सिर्फ आदमी का सर ही दिखेगा यहाँ।